नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका गर्भित ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम आशीष कुमार। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे डीवीएमएस में चल रहे मॉक टेस्ट के बारे में। दोस्तों इससे पहले मैं आपके 50 क्वेश्चन लगा चुका हूँ डीवीएमएस पर, ठीक है। तो आपके जो बाकी 50 क्वेश्चन रह गए थे उसको मैं आज लगाने जा रहा हूँ। दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आने वाले रेड कलर के बटन सब्सक्राइब करें, साथ में आने वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि इस चैनल पर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पचास क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं, तो दोस्तों यहां से स्टार्ट हो रहे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 51। काउंट फंक्शन इज एसक्यूएल रिटर्न्स द नंबर ऑफ, तो ऑप्शन इसका ए सही है वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 52 एन एडवांटेज ऑफ द डाटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच इज, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, डाटा इज इंटीग्रेटेड एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय द मल्टीपल प्रोग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 53 ए डीबीएमएस क्वेरी लैंग्वेज इज डिजाइन टू, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पेसिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। क्वेश्चन नंबर 54 द मेथड ऑफ एक्सेस विच यूज की ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉन एज, तो उसे बोला जाता है आपका हैश, ऑप्शन बी इसका सही। क्वेश्चन नंबर 55 द स्टेटमेंट इन एसक्यूएल विच अलाउ टू चेंज द डेफिनेशन इज, तो आंसर रहेगा आपका अल्टर, ऑप्शन ए इसका सही। क्वेश्चन नंबर 56 रिलेशनल एलजेब्रा इज, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 57 की इज रिप्रेजेंटेड रिलेशनशिप बिटवीन टेबल स्कार, तो कहा जाता है इसे फॉरन की, ऑप्शन आपका सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 58 डीवीएमएस हेल्प टू अचीव, डीवीएमएस हेल्प करता है, तो वह है आंसर आपका ऑप्शन सी, डाटा इंडिपेंडेंस और सेंट्रलाइज सेंट्रल ऑफ कंट्रोल ऑफ डाटा, ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन सी जो है ए और बी मतलब दोनों ही आपके सही, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटीज, तो कौन सी क्या प्रॉपर्टी होती है, तो ऑप्शन आपका सी सही है, एट्रीब्यूट्स। क्वेश्चन नंबर 60 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड एसक्यूएल टाइप, तो आंसर इसका होगा आपका डी, ऑल ऑफ है मतलब करेक्ट भी होगा, नंबरिंग ऑफ लैंग। क्वेश्चन नंबर 61 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ व्यू, तो इसका आंसर होगा डाटा सिक्योरिटी वेरीफाइड कॉलम हाइडिंग एंड कॉम्प्लेक्स स्टोरेज, तो इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एव, तो मतलब सभी ऑप्शन डी इसका। क्वेश्चन नंबर 62 व्हिच डेटाबेस लेवल इज क्लोजेस्ट टू द यूजर्स, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, एक्सटर्नल। क्वेश्चन नंबर 63 ए सेट ऑफ पॉसिबल डाटा वैल्यू इज कॉल्ड, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, डोमेन। क्वेश्चन नंबर 64 विच ऑफ द फॉलोइंग एज अनदर नेम ऑफ वीक एंटिटी, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 65 विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी, व्यू। क्वेश्चन नंबर 66 विच टू फाइल्स आर यूज ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ द डीबीएमएस, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, डाटा डिक्शनरी एंड ट्रांजेक्शन लॉग। क्वेश्चन नंबर 67 स्पेस डाटा टाइप कैन स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, तो आंसर उसका होगा ऑप्शन ए, रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 68 क्रिस्टियन प्रोडक्ट इन ए रिलेशन एलजेब्रा इज, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, ए बाइनरी ऑपरेटर। क्वेश्चन नंबर 69 इन ए हायरार्किकल मॉडल रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज, तो आंसर उसका ट्री के रूप में आपकी ऑर्गेनाइज रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 70 इन ए केस ऑफ एंटिटी इंटीग्रिटी द प्राइमरी की मे बी, तो प्राइमरी की मे बी होता है आपका आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, नॉट नल। क्वेश्चन नंबर 71 द लैंग्वेज यूज इन एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम ए डीबीएमएस इज रिफर्ड टू द टू एज द, तो आंसर उसका डीएमएल, ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 72 ए सब स्कीमा एक्सप्रेशन, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, द एक्सटर्नल व्यू, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 ईआर मॉडल यूज द सिंबल टू रिप्रेजेंट बी कैरेक्टर ट्रेड, तो आंसर उसका आंसर सी, ऑप्शन सी, डबली आउटलाइन रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 74 सेट कंसेप्ट इज यूज्ड इन, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, नेटवर्क मॉडल। क्वेश्चन नंबर 75 स्पेस प्रोड्यूस द रिलेशन दैट हैज एट्रीब्यूट ऑफ आर वन एंड आर टू, तो इसका आंसर होगा आंसर ऑप्शन ए,
क्रिस्टियन प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 76 इन ए रिलेशन, तो आंसर होगा एक रिलेशन में होता है आपका ऑर्डरिंग ऑफ रो, ऑप्शन आपका सी इसका सही है, बोथ ए एंड बी। और क्वेश्चन नंबर 77 द कंसेप्चुअल मॉडल इज, तो होता है ऑप्शन डी इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 78 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज यूज्ड इफ वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली सर्टेन कॉलम्स ऑफ ए टेबल, तो इसका आंसर होगा आपका प्रोजेक्शन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 79 द यूजर्स हु यूज इजी टू यूज मेन्यू आर कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा नेव यूजर्स, ऑप्शन बी इसका सही। क्वेश्चन नंबर 80 विच आर द टू वेज इन विच एंटिटीज कैन बी पार्टिसिपेट इन ए रिलेशनशिप, तो इसका आंसर जो होगा होगा टोटल एंड पार्शियल, ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 81 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपैरिजन ऑपरेटर इन एसक्यूएल, तो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है आपके एसक्यूएल में, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन इक्वल टू लाइक बिटवीन, तो ऑप्शन डी इसका सही, ऑल द अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 ए डाटा डिक्शनरी इज ए स्पेशल फाइल दैट कंटेन्स, तो इसका आंसर जो होगा द नेम ऑफ फील्ड्स ये भी कंटेन हो करती है आपकी, विथ ऑफ द ऑल फील्ड्स इज ए बी, द डाटा ऑल टाइप फील्ड्स ऑफ फाइल्स ये भी, और तो इसका आंसर जो होगा डी होगा, ऑल द अबव, सभी जो है उसमें आते हैं। नेक्स्ट है आपका 83 ए फाइल मैनिपुलेशन कमांड दैट एक्सट्रैक्ट सम ऑफ द रिकॉर्ड फ्रॉम ए फाइल इज कॉल्ड, तो आंसर होगा इसका सेलेक्ट, ऑप्शन ए इसका सही। क्वेश्चन नंबर 84 द फिजिकल लोकेशन ऑफ द रिकॉर्ड इज इट डिटरमाइंड बाय द मैथमेटिकल फॉर्मूला दैट ट्रांसफर ए फाइल की इनटू ए रिकॉर्ड लोकेशन इज, तो आंसर होगा इसका हैश्ड फाइल, ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 85 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल, तो आंसर इसका ऑप्शन ए नेटवर्क मॉडल। क्वेश्चन नंबर 86 ए प्राइमरी की इज कंबाइंड विद ए फॉरेन की इज की क्रिएट्स, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल एंड कनेक्ट देम। क्वेश्चन नंबर 87 द नेचुरल जॉइन इज इक्वल टू, तो आंसर उसका ऑप्शन डी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्शन एंड सर्टियंस प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 88 इन ईआर डायग्राम रिलेशनशिप टाइप इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो होता है डायमंड, ऑप्शन डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 89 द स्पेस ऑपरेटर यूज टू कंपेयर ए वैल्यू ऑफ टू लिस्ट ऑफ इंटर लिटरल वैल्यू डेट हैव बीन स्पेसिफाइड, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए बिटवीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें स्पेस फंक्शनल डिवाइड्स वन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बाय अनदर एंड रिटर्न्स रिमाइंडर, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी मोड। क्वेश्चन नंबर 91 इन ईआर डायग्राम जनरलाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो इसका आंसर होता है ऑप्शन डी ट्राइंगल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 स्पेस इज ए वर्चुअल टेबल दैट ड्रॉ इट्स डाटा फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ एन एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए व्यू। क्वेश्चन नंबर 93 ए टेबल ज्वाइंट विद इटसेल्फ इज कॉल्ड, तो एक टेबल ज्वाइंट विद इटसेल्फ, तो उसे कहते हैं हम सेल्फ ज्वाइन, ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 94 ए डीबीएमएस क्वेरी लैंग्वेज इज डिजाइन टू, तो डीबीएस लैंग्वेज इज डिजाइन टू, तो ऑप्शन इसका सही है आपका सपोर्टेड एंड यूज हु इज इंग्लिश लाइक कमांड्स, तो ऑप्शन ये भी सही है। सपोर्ट इज डेवलपमेंटिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी सही है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑल द अबव, ऑप्शन आपका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 95 ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग इज एसोसिएट विद द एवरीथिंग ब्लू एक्सेप्ट, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 96 इट इज पॉसिबल टू डिफाइन ए स्कीमा कंप्लीटली यूजिंग DDL and DEML. Question number 97. It is better to use file than a DBMS when there are option B multiple users which A access the data. Question number 98. Which of the operations constitute a basic set of operations for manipulating relation data? Uska answer hoga option C relational algebra. Question number 99. A key more than one attribute is called. To se kehte hain aapka option A composite key. क्वेश्चन नंबर 100 एन एट्रीब्यूट ऑफ सेट एट्रीब्यूटेड इक्वली आइडेंटिफाई एन एंटिटी इज कॉल्ड, तो इसे कहते हैं आंसर ए ऑप्शन ए सुपर की। तो दोस्तों ये थे आपके डीबीएमएस के ऊपर 100 क्वेश्चंस, ठीक है 50 क्वेश्चंस इससे मैं इसकी पहली वाली वीडियो में बता चुका हूं और 50 क्वेश्चन इस वीडियो में है। दोस्तों उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल के लिए प्ले लिस्ट में जा सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हो।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई इसे लाइक करना, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जय भारत।